नमस्कार फ्रेंड्स, अभी बहुत रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया कि एक ही फैमिली के अगर अलग अलग मेंबर्स हैं, ढेर सारे मेंबर्स हैं, तो हर मेंबर के लिए अलग कानून कैसे हो सकता है, फैमिली के हर सदस्य के लिए अलग लॉ क्यों होना चाहिए और सबका समान लॉ होना चाहिए। और इस बयान की वजह से दोबारा से एक बार बहस छिड़ गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, समान नागरिक संहिता को लेकर के, एक देश एक कानून को लेकर के। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि लॉ कमीशन ने भी अपना जो है एक रुख जाहिर किया है कि वो पक्ष में है समान नागरिक संहिता के। बहुत सारे लोगों के अलग अलग बयान आ रहे हैं कि अच्छा है, काफ़ी सारे जो कुरीतियां हैं मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम समाज में, वो ख़त्म हो जाएंगी। काफ़ी सारे मुस्लिम समाज के लोग खड़े हो रहे हैं कि ये नहीं आना चाहिए, नहीं तो उनका जो एक नॉर्मल शरिया लॉ है वो ख़त्म हो जाएगा, वो आगे नहीं चलेगा। लोगों को ये भी एक धारणा है या कन्फ्यूजन है शायद कि इससे सिर्फ मुस्लिम समाज में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इससे समान नागरिक संहिता के आने से सिर्फ मुस्लिम समाज में नहीं फ़र्क पड़ेगा, हर समाज में, हर धर्म में फ़र्क पड़ेगा और शायद हिंदू समाज में मुस्लिम समाज से भी कहीं ज़्यादा फर्क पड़ेगा अगर समान नागरिक संहिता आ जाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है। तो आज मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका अभी तक कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, जिसको लेकर के सिर्फ बात चल रही है, बहस चल रही है, और आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये बहस चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भी कहा था कि एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, सिविल लॉ सब तरफ एक ही होने चाहिए। पर इसको लेकर के आना क्या इतना आसान है? जिसका ड्राफ्ट तक इतने सालों में आज तक प्रिपेयर नहीं हो पाया है, उस कानून को सडनली लेकर के आना पॉसिबल हो पाएगा नरेंद्र मोदी सरकार के लिए? तो आज डिस्कशन इसी बात पर है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, बात करते हैं समान नागरिक संहिता की कि क्या इसको लाया जा सकता है, इसमें क्या मुश्किलें आ सकती हैं, क्या आसानियाँ हैं। तो पहले तो ये भ्रम, ये भ्रांति दूर करनी होगी कि समान नागरिक संहिता आने से केवल मुस्लिम समाज में फ़र्क पड़ेगा, उनकी चार शादियां बंद हो जाएंगी, या जो है उनका जो कानून के जो तलाक के तरीके हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे, उन्हें कोर्ट जा कर के एक नॉर्मल, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट में तलाक लिया जाता है उसी तरह से तलाक लेना पड़ेगा, मेंटेनेंस के लॉस चेंज हो जाएंगे, उनकी लड़कियों को प्रॉपर्टी में हक मिलेगा और उनके प्रॉपर्टी राइट्स का जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। पर सिर्फ यही चेंज नहीं होगा, इससे बहुत कुछ और चेंज होना होगा, तभी जाके एक देश एक कानून, समान नागरिक संहिता आ सकता है। क्रिमिनल लॉज ऑल्दो पूरे देश में सबके लिए सेम हैं, जो कि इंडियन पिनल कोड से और सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से गवर्न होते हैं, सिविल लॉज जो हैं सबके लिए अलग अलग हैं। लेकिन ये जो अलग अलग लॉज हैं, पहले तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे पहले देता है। फॉर एग्जांपल, आपने आर्टिकल 370 तो बहुत सुना होगा कश्मीर को लेकर के, जिसको मोदी सरकार ने ख़त्म किया और फाइनली जो है कश्मीर जो है एक नॉर्मल भारत के किसी और स्टेट की तरह ही भारत का एक वन ऑफ द स्टेट बना। उसका जो अलग कॉन्स्टिट्यूशन चलता था वो ख़त्म हो गया, अब वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। बट आपने आर्टिकल 371 के बारे में नहीं सुना होगा, जो कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहीं पे विदर्भ और मराठवाड़ा के रीजन्स को एक अलग स्टेटस देता है। अगर हम गुजरात की बात करें तो कच्छ और सौराष्ट्र के जो ट्राइब्स हैं उनको एक अलग स्टेटस देता है। तो आप इस आर्टिकल को कैसे ख़त्म करेंगे? और सिर्फ आर्टिकल 371 ही नहीं, 371A, B, C, D बहुत सारे इसके सब क्लॉजेज हैं जो अलग अलग रीजन के, अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग सिविल लॉज को मानने की बात करते हैं। इसके अलावा भारत में कानून है कि जो कस्टम बहुत लंबे अरसे तक चलता रहा हो और जायज़ हो, जिससे किसी का हनन ना हो रहा हो, जिसके किसी के राइट्स का हनन ना हो रहा हो,
तो वो जो कस्टम है उसे लॉ का स्वरूप दिया जाना चाहिए, वो लॉ का स्वरूप हो जाता है। तो दिस इज अ फिक्स्ड लॉ इन आर कंट्री। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि अगर हम शादी की ही बात करें तो भारत देश में छोटा नागपुर रीजन में एक ऐसी प्रजाति है जिसमें लड़की उस व्यक्ति से शादी करती है जो व्यक्ति उस लड़की को प्रेग्नेंट कर देता है। तो यानी कि वो शादी का सिस्टम ही अलग है, उसको शादी मान लिया जाता है। तो आप इस शादी के लॉ को कैसे चेंज करेंगे? जहाँ पे आपके नॉर्थ इंडिया में पैट्रियार्की चलती है, यानी कि पुरुष प्रधान परिवार होते हैं, वहीं पे साउथ इंडिया में मैट्रियार्की है, महिला प्रधान परिवार है। बहुत से खासी ट्राइब ऐसी है जहाँ पे जो घर की सबसे छोटी बच्ची है, बेटी है, उसको जो है प्रॉपर्टी के गार्जियनशिप का राइट मिलता है, और बच्चों के नाम जो है माँ के नाम से जाने जाते हैं, माँ का सरनेम उनके नाम के आगे लगाया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकते हैं। अगर हम हिंदूज की बात करें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जिसकी वजह से इवन टैक्सेशन में आपको एग्जेम्पशन मिलती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो सबसे बड़ा पुरुष होता है फैमिली का, वो कर्ता कहलाता है, और उसकी वजह से पूरे जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो परिवार को चलाता है, इनके जॉइंट बिजनेसेस होते हैं। तो ये पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सिस्टम खत्म हो जाएगा अगर हम बात करें UCC की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो क्योंकि सिर्फ हिंदूज को ये प्रिविलेज क्यों मिलेगा। तो इसमें जॉइंट फैमिली बिजनेसेस चल रहे हैं हिंदू HUF में, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज हैं, तो इनको कैसे बाइफर्केट किया जाएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा। अगर हम गोवा की बात करें तो यहाँ पे ये इकलौता राज्य है भारत का जहाँ पे हिंदुओं को भी दो शादियाँ करनी अलाउड हैं, तो आपको वो सिस्टम भी ख़त्म करना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें तो सिर्फ मुस्लिम्स अफेक्ट नहीं होते हैं, हमारे देश की ढेरों ट्राइब्स ऐसी हैं जो अफेक्ट होती हैं, जैसे कि बिहार की ट्राइब्स हो गई, बंगाल के ट्राइबल रीजन्स हो गए, झारखंड के ट्राइबल रीजन्स हो गए, छोटा नागपुर इलाका हो गया, देन साउथ इंडिया की बहुत सारी ट्राइब्स हैं, नॉर्थ ईस्ट एक अलग अपने आप में जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वहाँ के ट्राइबल रीजन्स में बहुत सारे उनको राइट्स मिले हैं, और उनको ये प्रॉमिस किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि उनके कस्टम से कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उनके कस्टम्स उनके ही लॉ चलेंगे, और वो अपने सिविल राइट्स या अपने कस्टम्स में किसी की इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो ये पूरे देश में एक तरह की खलबली हो जाएगी। सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं है जो सामने आ रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए, करीब 30 से 40 ऐसी ट्राइब्स की पेटिशंस ऑलरेडी आ चुकी हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, उनकी जो याचिकाएं हैं सरकार के पास आ रही हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए, वरना उनके कस्टम्स का क्या होगा, उनके लोकल लॉज का क्या होगा, उनके ट्राइब के विदिन जो लॉज हैं उनका क्या होगा। तो ये सारी बातें बहुत सोचने वाली हैं, इतना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और सारी चीज़ों को ख़त्म करके सबके लिए एक लॉ लेकर के आना। इनफैक्ट मैरिजेज में भी हिंदू मैरिज एक्ट अलग चलता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है, और जहाँ पे दो धर्म के लोगों की शादियाँ हो जाती हैं वहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप क्लब कैसे करेंगे, सबकी प्रथाओं को सेम कैसे कर देंगे, सबके शादी के तरीके को, सबके प्रॉपर्टी एक्वायर करने के तरीकों को सेम कैसे कर सकते हैं। अभी जैसे हमारे समाज में बेटियों को भी, डॉटर्स को भी प्रॉपर्टी में राइट मिलता है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे नहीं मिलता है। तो क्या आप सारी डॉटर्स के लिए प्रॉपर्टी राइट्स खत्म कर देंगे, या वहाँ की भी डॉटर्स के लिए प्रॉपर्टी राइट्स ले आएंगे, उनकी फैमिली सिस्टम को कैसे बाइफर्केट करेंगे, जो उनका फैमिली ट्री है, सपेंडा रिलेशनशिप जो चलती हैं, जिसके तहत शादियाँ भी नहीं हो सकती हैं नॉर्थ इंडिया में, बट साउथ इंडिया में ऐसा होता है कि हिंदू परिवारों में भी कुछ जगहों पर रिलेटिव्स के बीच में भी शादियां होती हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को कैसे क्लब कर पाएंगे, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। अभी सरकार भी 70 सालों से 75 सालों से बात तो कर रही है कि एक देश एक संविधान होना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए,
वन नेशन वन लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की बातें तो हो रही हैं, लेकिन इसका कोई स्ट्रॉन्ग ड्राफ्ट अभी तक सामने नहीं आया है, और ये आएगा तो किस रूप में आएगा ये हम भी वेट कर रहे हैं। तो यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच, इट्स नॉट दैट ईजी कि ये आ जाएगा। और ये एक धर्म को लेकर के बात नहीं है, हर धर्म के अलग अलग कस्टम्स हैं जो लॉ का रूप ले चुकी हैं, इतने सालों में कानून का रूप ले चुकी हैं। तो उन सारे कस्टम्स को खत्म करके या सबके लिए सेम कस्टम को कानून बना करके आप कैसे सामने ला पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ बाय।